आलाम बाजार की सूरत हाल आप देख सकते हैं। सैयाह जितनी भी है वो तो नहीं आ सकते, पाबंदी है, लेकिन आम शहरियों की तादाद जो है ना लोकल वो भी कम है, और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल न होने के बराबर है। सिर्फ मुकामी शहरी है यहाँ के लोकल, यानी डाउन डिस्ट्रिक्ट के, यानी मिंगवरा शहर और गिरदनवा के लोग वो भी नहीं आ रहे। तो आम अगर हम बाज़ार को देखें तो बिल्कुल सुनसान है, होटल सारे बंद है, खाने पीने के कुछ होटल खुले हैं और कुछ जो बड़े होटल हैं वो तो तमाम बंद हैं। इस वक्त हम जो नया कलाम बाज़ार है वो उस पर हम है, लेकिन अभी हम जो ओल्ड बाज़ार है कलाम का, सबसे पुराना जो बाज़ार है उसमें हम दाखिल हो रहे हैं। तो इसकी थोड़ा सा यहाँ पर मुझे गाड़ियों के जो तादाद है उसमें इजाफा मैं देख रहा हूँ। बाकी शहरी जो है ना वो आप देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन वो सिर्फ खड़े हैं, बाकी लोगों की तादाद जो है ना वो कम है, और ये सारे लोकल हैं। ज़्यादा तादाद में शहरी जो है ना वो मौजूद नहीं है, सयाह तो बिल्कुल नहीं है। तो कलाम की ताज़ तरीन सूरत हाल ये है कि चूँकि ये एक सयाहती इलाका है और इन दिनों कलाम में पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन आजकल ये बिल्कुल अगर आप देखें तो खाली है, कोई है नहीं, और मुकामी शहरी जो है ना अपने मौजूद है, वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है ना वो अशिया ख़रीद रहे हैं और रोज़मर्रा की जो काम है वो जारी है। बाकी आम हालत की सयाहों की कोई गाड़ी हमें नज़र नहीं आ रही है, और यही वजह है कि होटल वाले एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा दारोमदार सयाहत पर है, SOPs के तहत अगर यहाँ की टूरिज़म को बहाल कर दिया जाए तो वो बेहतरीन होगा। अगर टूरिज़म SOPs के तहत बहाल हो तो मेरा ख़्याल है कि इस जो सयाहत है स्वात में, इससे तकरीबन 4 लाख अफराद जुड़े हैं, इनकी रोज़ी रोटी इससे जुड़ी है, तो इन 4 लाख अफराद को रोज़गार फराहम करना ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरीके से पूरी दुनिया में लॉकडाउन जो है ना वो अब ख़त्म हो रहा है और SOPs के तहत कारोबार जो है ना वो बहाल हो रहा है। तो मेरा ख़्याल में होटल वालों का जो मुतालबा है इस पर हुकूमत को ध्यान देना चाहिए, और SOPs के तहत जो SOPs हुकूमत मतलब दे वो हम करेंगे। इस तरफ मैं आपको दरियाए उतरोड का एक मंज़र आपको दिखाऊँ, खूबसूरत मंज़र है, और यहाँ सारे चारपाइयाँ वगैरह जो है वो लगे हुए होते हैं, लेकिन वो सारा खाली है, और खाली इसलिए है कि कोरोना है, कोरोना उबा की वजह से इंतज़ाम जो है ना वो दरहम बरहम। बहरहाल अल्लाह करे कि यहाँ की रौनक भी बहाल हो और पूरे स्वात, पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की रौनक जो है ना वो बहाल हो। बाकी शहर का मंजर लोकल जो ओल्ड कलाम है इसमें काफ़ी लोग जो है ना वो मौजूद है, लेकिन वो रश नहीं है। यहाँ चारपाइयों पर आप लोग बैठे हुए देख सकते हैं, लेकिन ये मुकामी है, कहाँ से आया है ये पता नहीं। तब तक हमसे पेशावर, अच्छा
उर्दू में बात कर सकते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है और कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग पेशावर से हैं, मेरा नाम सिराज अहमद है। अच्छा, हमदा है उनका, हम हवाले में हम एक इलाके से हैं। अच्छा, क्यों आए, किस लिए आए हैं? लॉकडाउन की वजह से दिल घर में दिल भर गया था कि हम कई बार घूमने चले जाए, तो इसी वजह से। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं अभी आप। अच्छा, आम कह रहे, यानी दरिया के किनारे ठंडे ठंडे पानी और प्लस आम हो तो क्या ही बात है, बहुत ही बेहतरीन है। आपको हम वेलकम करते हैं, लेकिन थोड़ा एहतियात जरूर करें, कोरोना न फैले। महोडन में, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो महोडन का रास्ता खुला है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी, इस वक्त मैं कालाम के इलाका हिलटॉप पे मौजूद हूँ। शानदार मौसम, खूबसूरत नज़ारे और दिलकश नज़ारे यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कालाम का जो इलाका है इस वक्त ये खाली है। थोड़ा सा मैं आपको कालाम का मंज़र आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा जो वादी है, पूरा कालाम जो है, जालबंड, कस, ये सारा यहाँ पर इनकी जो छोटे छोटे इलाके हैं ये मौजूद है। हिलटॉप से ये खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं। अगर आप देखें सामने तो दरियाए स्वाद जो है ना, वो बिल्कुल अपने उरूज पर है। दरियाए उशो और दरियाए उतरोड यहाँ वहाँ पर सामने अगर आप देखें तो वहाँ पर मिलने के बाद दरियाए स्वात बन जाता है। तो ये खूबसूरत मंजर है, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारे और ये खूबसूरत होटल्स, यहाँ की जो लोकेशंस है, सारे इंतज़ार कर रहे हैं सयाहों का, और सयाहों की न आने का वजह है करोना वायरस। करोना वायरस के उबा को रोकथाम की वजह से हुकूमत ने और ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पर पाबंदी लगा दी है। तो यहाँ पर जितने भी सयाह हैं वो आ तो सकते है, लेकिन होटल सारे बंद है। इस हवाले से आल स्वात होटल एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालिबा भी किया है कि एसओपीज के तहत जो हुकूमत हमें इकदामात करने के कहेंगे हम वो फॉलो करेंगे, और एसओपीज के तहत अगर इन होटलों को और सयाहती मकामात, स्वात की जो दिगर सयाहती मकामात, अगर उसको खोल दिया जाए तो ये बेहतरीन होगा, क्योंकि सयाहत के शुबे से तकरीबन 84 लाख के करीब जो है ना अपराध से रोजी रोटी इनकी जुड़ी है। तो 840 के करीब जो है
نہ ہوٹلز ہے، تو وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا ان ہوٹلوں کو، ان سیاحت کے شعبے کو اس او پیس کے تحت کھول دیا جائے تاکہ لوگوں کی روزگار جو ہے نا وہ بحال ہو۔ Thank you.